हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटो स्वयं पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो कैसे बनाते हैं, वो भी अपने 4:6 साइज़ पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एडोब फोटोशॉप में हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक कोई फ़ोटो ले लेना है, जैसे कि हमने ये लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो भी हमें साइज़ रखना होती है, जैसे 1.1 रख रहे हैं, 1.1 इंच और 1.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे लिया 1.1 और 1.5 इंच और 300 रेगुलेशन हम रखते ही हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमें इस फोटो को जो है क्रॉप कर लेना होगी। मान लीजिए कि हम इसी साइज़ का फ़ोटो रख रहे हैं। ठीक है, हमें जितना हमारे लग रहा है या हमें जो भी मतलब साइज कहीं पे लगाना है उसके अकॉर्डिंग हम जो है साइज भी लेके और हम इसको क्रॉप करेंगे। इसको हमने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद में हमें सिंपली इसमें इसका बॉर्डर लगाना है ना। फिर हम इसमें यहाँ पे पट्टी पे इस पे नीली पट्टी जो है इस पे हम राइट क्लिक करने के बाद में कन्वर्ट साइज में ले लेंगे। कन्वर्ट साइज में यहाँ चेक मार्क लगाना होगी और यहाँ पे हमें डालना होगी 0.1। यहाँ हम रखेंगे 0.1 और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। तो देख लीजिएगा आप कन्वर्स में यहाँ पर 0.1 जितनी आपको लग रहा हो उतना हमें आपके हिसाब से आप ले लीजिएगा, लेकिन हमें पासपोर्ट साइज में इतना ही रखना होती है। ठीक है, हम ओके करते हैं इसे। तो हमारा जो है बॉर्डर इस टाइप का ये लग चुका है। हमें दूसरी सीट लेना होगी और यहाँ कंट्रोल एन से हम जो है एक 4:6 साइज का सीट ले लेते हैं, नई न्यू सीट ले लेते हैं 4:6 साइज की। और इसको जो है राइट लेफ्ट में कर लिया हमने। हम यहाँ कंट्रोल बी करते हैं, इसको हमें यहाँ पे कंट्रोल एक करके सिलेक्ट करना होगी। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल सी से हम ये कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम हमारे दूसरी फाइल जो हमने नई फाइल ली है उस पर जाएंगे। न्यू फाइल पे जाने के बाद में हम इसे सिंपली कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। जी, हमने यहाँ कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में अल्ट प्लस ई एस दबाएंगे की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है बॉर्डर लग जाएगा, है ना दोस्तों। और तो अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल अल्ट प्लस माउस की लेफ्ट की उससे दबा के हम जो इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में फिर हम इसे सेट कर लेंगे। फिर यहाँ से फिर कॉपी करेंगे, हम एक कॉपी और कर लेंगे। हम कॉपी लेने के बाद में फिर हम जितने भी हमें चाहिए उस प्रकार हम जो है यहाँ पे फोटो रखेंगे और कंट्रोल ई से हम इस कंट्रोल ई प्रेस करेंगे एक बार। एक यहाँ पे हो गया, ये देख लीजिएगा आप कंट्रोल ई से यहाँ पे ये एक क्लियर हो जाएगा पूरा, है ना। जैसे कि अभी अभी ये क्लियर हो गया, तीन फोटो का एक क्लियर हो गया, चार फोटो का एक क्लियर हो गया, पाँच फोटो का एक क्लियर हो गया। ओके, पांच फोटो का एक फ़ोटो क्लियर हो जाने के बाद में कंट्रोल अल्ट प्लस माउस की से प्रेस करेंगे, दबा के नीचे की ओर खींचेंगे तो हमारे जो है फ़ोटो बन के रेडी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी हम जहाँ से फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में कंट्रोल सेव एस करेंगे, जीपीजी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर जीपीसी सिलेक्ट करना होगी हमें यहाँ पे, और यहाँ हम फाइल का नाम दे देंगे कोई भी जो भी हमें रखना है। मान लो मैं कोई भी रख देता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ। सेव करेंगे, ये हमारा जो है फ़ोटो बन के रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।